अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अमलोक का मिल्क शेक बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ और साथ ही में मैं आपको आज अमलोक के बहुत सारे फ़ायदे बताऊँगी और इसके बहुत ही ज़्यादा बेशुमार बेनिफिट्स हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अमलोक मौसम सरमा में सिर्फ आता है, ये 2 से 3 महीने के लिए सिर्फ आते हैं, तो आप इनको खाएँ और इनका जो फ़ायदे हैं उनसे भरपूर आप लुत्फानंदोज़ हों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमलोक में विटामिन ए, विटामिन बी और सी, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, फोलाद, आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और इसके 100 ग्राम के फल में सिर्फ 80% कैलोरीज होती हैं और ये लिकोरिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद फल है। दिन में अगर आप 3 से 4 फल रोज़ाना डेली खाते हैं तो 1 हफ्ते तक लिकोरिया की बीमारी का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। और इसके अलावा नक्सीर की, जिनको बीमारी खून बार बार आता है, बहता है नक्सीर का, तो वो लोग इस फल का इस्तेमाल करें तो उनको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसके नताइज मिलेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, वज़न कम करने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है ये फल, क्योंकि इसमें 150 ग्राम के दरमियाने फल में 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो इसमें फैट ना होने के बराबर होता है, इसलिए ये फल वज़न कम करने वालों के लिए काफ़ी मददगार है। और मैं इसका मिल्क शेक आज बना रही हूँ, तो मैं इनको पहले, मैंने छिलका उतारा है, अब मैं इनको काट लूँगी। तो मैं 2 अमलोक इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 4 गिलास बनाऊँगी मिल्क शेक, हमें 4 गिलास तैयार करना है, तो मैं इसलिए 2 फलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अमलोक खाना हज़म करने के लिए, कब्ज़ दूर करने के लिए, जिगर की बीमारियों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर हाजमा दुरुस्त करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। और इसके अलावा अमलोक ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने 3 गिलास वाइल्ड मिल्क डाल दिया है, मैं इसमें शुगर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि अमलोक जो है वो काफ़ी मीठा फल होता है, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप शुगर ऐड कर सकते हैं। मैं विदाउट शुगर के इसको बना रही हूँ, तो मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, बहुत इजी और आसान तरीका है। और ये मिल्क शेक आप बच्चों को भी दें बना के, आप ख़ुद भी पिए, क्योंकि ये काफ़ी एनर्जेटिक हो जाता है जब ये मिल्क के साथ इसको मिलाकर बनाते हैं, तो ये काफ़ी, जो बच्चे खेलते हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, उनको जिस्मानी थकन को दूर करता है। और फ्रेंड्स, आप इस मिल्क शेक को जब आपको पीना हो, सर्व करना हो, आप उसी टाइम बनाएं और फौरन इसको सर्व कर लें, क्योंकि ज़्यादा देर रखने से ये जमना शुरू हो जाता है। तो आप इसको जिस टाइम आपको पीना हो उसी टाइम ही आप बनाएं और सर्व कर लें। और मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।